राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध चुने गए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। रोहतास के नौहट्टा में दूषित पानी पीने से 4 बच्चों की हुई मौत। पास में काम कर रहे मजदूरों के हैं सभी बच्चे। वह घटना के बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। रोहतास के काराकाट थाना क्षेत्र के जोरावरपुर में अपनी बेटी की शादी के लिए घर आ रहे पिता से लूटपाट के दौरान अपराधियों ने चाकू मारकर की हत्या। वहीं अपराधियों ने बेटे को भी गंभीर रूप से किया घायल। मृतक की पहचान राधा मोहन सिंह के नाम से की गई है, जो किचलहा गांव के निवासी थे। मसौढ़ी थाना क्षेत्र के सिकसरिया स्कूल के पास में दिन दहाड़े बाइक सवार को गोली मारकर जख्मी कर देने का मामला आया सामने। जख्मी युवक का नाम सौरभ कुमार है। घायल युवक को गंभीर अवस्था में बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच किया गया रेफर। वहीं मामले में छानबीन में जुटी पुलिस। बिहार सरकार में परिवहन मंत्री शीला मंडल की ओर से बाबू वीर कुंवर सिंह जी पर दिए गए बयान में करणी सेना ने जताई नाराजगी। बयान के विरोध में 0 माइल अखाड़ा घाट में शीला मंडल का लोगों ने किया पुतला दहन। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मंत्री शीला मंडल से अपने बयान पर की माफी मांगने की मांग। मुंगेर के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री शैलेश कुमार का ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ किया स्वागत। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धजियां। जमुई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस। इस दौरान उपस्थित लोगों ने डॉक्टर भीमराव के जीवन पर डाला प्रकाश, साथ ही साथ उनके आदर्शों पर चलने की कही बात। देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर ने किया ऐलान। कहा, देश का व्यापारी और ट्रांसपोर्ट कल 8 दिसंबर को भारत बंद में नहीं होंगे शामिल। मंगलवार को दिल्ली समेत देश भर में बाजार पूरी तरह से रहेंगे खुले।